स्वरा भास्कर, ये नाम सुनते ही तुम्हारे दिमाग में क्या आता है? अगर इच्छा हो तो कमेंट बॉक्स में लिख देना। मैं यहाँ पर अपने मन के बता देता हूँ, जब स्वरा भास्कर नाम सुनता हूँ तो सच में मुझे उल्टी आ जाती है। भाई साहब, इस लिबरल लेडी को झेलना स्क्रीन के ऊपर एक बहुत बड़ा मुश्किल काम है। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाला हूँ भाग बिनी भाग वेब सीरीज के बारे में, जिसे नेटफ्लिक्स पर रिलीज किया गया है। अब तुम नेटफ्लिक्स इंडिया से क्या उम्मीद लगा सकते हो? मेरे ख्याल से सिर्फ यही कि तुम इस पे कचरा एक्सपेक्ट कर सकते हो, और वो भी A1 क्वालिटी का कचरा। अब अगर इस गार्बेज वेब सीरीज के बारे में बात करूं, इसकी कहानी के बारे में बताऊं, तो एक बिन्नी नाम बिन्नी भटनागर नाम की एक लड़की है, जिसकी शादी होने वाली, मतलब शादी नहीं, उसका बॉयफ्रेंड उसको शादी के लिए प्रपोज कर लेता है, और ये कुछ बोल नहीं पाती उस वक्त जब इसको प्रपोज करता है, और इसको लगता है कि यार मुझे शादी नहीं करनी, मुझे स्टैंड अप कॉमेडियन बनना, और इसलिए वो रोके वाले दिन भाग जाती है। जिस दिन इसका रोका होता है उस दिन वो स्टैंड अप कॉमेडियन के लिए, स्टैंड अप कॉमेडी का उसको ऑडिशन होता है, उसके लिए वो भाग जाती है। एक बात बताओ यार, ये ड्रामा क्रिएट करने की क्या जरूरत थी? आराम से बैठ के भी तो बात हो सकती थी कि भाई मुझे नहीं करनी है, तो ये कि क्या मतलब बनता है इस चीज का? और भाई साहब, ऐसे वैसे स्टैंड अप कॉमेडियन नहीं, स्टैंड अप कॉमेडियन वो भी हाई लेवल वाले स्टैंड अप कॉमेडियन, जैसे कि लेजेंड जो होते हैं, जैसे यहां पर देश का मजाक उड़ाएंगे, किसी धर्म का मजाक उड़ाएंगे, किसी विशेष जाति समूह का मजाक उड़ाएंगे, और अगर इनको कहें भाई साहब ये सब चीजें करना गलत है, तो ये जो लिबरल हैं वो फ्रीडम ऑफ स्पीच का एक कार्ड लेकर सामने आ जाते हैं। देखो हमारी फ्रीडम ऑफ स्पीच का हनन हो रहा है, ये देखो हमें बोलने की आजादी से मना किया जा रहा है। अब इन बेवकूफ पढ़े लिखे लिबरल गवार लोगों को कौन बताए? ये गए संविधान इन्होंने खोला, और संविधान में इन्होंने ये देखा, देखो यार फ्रीडम ऑफ स्पीच नाम की एक चीज होती है, और इन गवार लोगों ने वहां से सिर्फ फ्रीडम ऑफ स्पीच की एक ये जो चीज ही थी वो पढ़ी, और आ गए जनता में अपनी बेवकूफी का ढिंढोरा पिटना। इन गवार लोगों से आगे का क्लोज भी नहीं पढ़ा गया, जिसमें ये लिखा होता कि भाई फ्रीडम ऑफ स्पीच का ये मतलब नहीं होता कि तुम देश का मजाक उड़ाओ, तुम किसी धर्म का मजाक उड़ाओ, या तुम किसी जाति समूह का मजाक उड़ाओ। लेकिन यार इन लोगों को तो फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब तो यही है ना कि हम धर्म का मजाक उड़ाएंगे, हम जाति का मजाक उड़ाएंगे, हम देश के बारे में बोलेंगे, ये इनकी सोच है। और बकायदा ये सब चीजें इस वेब सीरीज में दिखाई गई हैं, और साथ ही साथ ये भी बताने की कोशिश करती है ये वेब सीरीज कि भी देखो यार इन जैसे आर्टिस्ट, जो इतने बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं, ये जो स्टैंड अप कॉमेडियन है, इनकी स्वतंत्रता का हनन हुआ है, और इनको बोलने की आजादी नहीं मिल रही, क्योंकि इनको तुम धर्म के ऊपर नहीं बोलने दे रहे, तुम इसको देश के ऊपर नहीं बोलने दे रहे, तुम किसी इनको जाति के ऊपर नहीं बोलने दे रहे। मतलब यही एक मजाक बनता है, ये क्या मतलब बनता है? अब देखो यार, मैं हर किसी स्टैंड अप कॉमेडियन के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, बहुत अच्छे अच्छे स्टैंड अप कॉमेडियन है, लेकिन जो ये जो अपने आप को बहुत लिबरल समझते हैं, जिनको लगता है कि सिर्फ हम धर्म की बात, धर्म के ऊपर मजाक, धर्म का ही मजाक उड़ाएंगे, देश के बारे में बोलेंगे, या फिर हम किसी जाति समूह के बारे में बोलेंगे, वो एक फनी एक्ट होता है, या फिर हम सिर्फ और सिर्फ सेक्स की बात करेंगे, कैसे किया, इसने ऐसे ऐसे मजा आया, ये सब बात करेंगे तो इसे फनी या वो कूल डूड वाली फीलिंग आएगी लोगों के अंदर। इन जैसों की मैं बात कर रहा हूं, जिनके दिमाग में ऑलरेडी कचरा भरा हुआ है, और वो कचरा ही मतलब परोसेंगे लोगों को। इस वेब सीरीज में टोटल 6 एपिसोड है, और इन 6 एपिसोड के अगर टोटल टाइम बताऊं तो 3 घंटे की एक पूरी सीरीज है, लगभग 3 घंटे या उससे भी कम है, और मुझे इन 3 घंटों को कंप्लीट करने में टोटल 3 दिन लग गए। इतना मुश्किल है इसको झेलना। और जो इसके अंदर स्टैंड अप कॉमेडी की गई है, एक लिटरली यार एक लाइन छोड़ो यार, तो मुझे एक वर्ड के ऊपर भी हंसी नहीं आई। अगर कोई सच में कोई अच्छा स्टैंड अप कॉमेडियन इस मूवी को भी, इस सीरीज को देख ले, वो सच में तुम्हें गालियां निकालेगा, और वो यही कहेगा लोगों को, भाई साहब इनकी ये जो स्टैंड अप कॉमेडी है ये नहीं होती है, कुछ और होती है, तुम प्लीज इनके बहकाव में मत आ जाना, क्योंकि हमारे पेट पे लात लग रही है। और ऊपर से स्वरा भास्कर जैसी महान एक्ट्रेस, जिसको झेलना मैंने कहा ना एक बहुत बड़ा टास्क है, वो यहां पर जब आती है, उसको यार एक तो उसको देखते ही, मतलब उसको देखना ही यार कैसे झेल रहा हूं मैं उसको, यही एक काबिलियत तारीफ है। और मुझे हैरानी इस बात की है कि स्वरा भास्कर जैसी एक्ट्रेस को एक्ट्रेस कह रहा हूं, यही बहुत बड़ी बात है, इसको एक्ट्रेस कह रहा हूं, इसको मतलब काम मिल रहा है, कमाल की बात है, इसको काम भी मिल रहा है, और वो भी मेन रोल, मतलब लीड रोल इसको दिया जा रहा है। तुम क्या सस्ता नशा फूंक के बैठे थे, इन जैसों को तुम लीड रोल दे रहे हो? अरे कोई समझदार इंसान होगा वो इसको लीड रोल तो दूर की बात है, इसको साइड रोल भी ना दे, मतलब इसको कुछ भी ना दे। अब तुम यही सोच रहे होगे यार मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, मैं स्वरा भास्कर से जलता, नहीं यार मैं उससे नहीं जलता यार, मुझे तुम उसकी एक्टिंग, जो उसकी एक्सप्रेशन, यार फिर से मैंने उसको एक्टिंग बोल दिया यार, वो जो भी कचरा है, जो उसके एक्सप्रेशन एक बार देख लो ना, तो मैं खुद यार तुम्हें यकीन हो जाएगा ये किस लेवल की एक्टिंग कर, फिर से एक्टिंग बोल दिया मैंने। अरे तुम एक बार काम करो, मेरी बात पे यकीन नहीं, तुम IMDB के ऊपर जाओ, वहां पे इसकी रेटिंग चेक करो, ऊपर से जो सुंदर सुंदर जो इसके बारे में कमेंट किए गए हैं स्वरा भास्कर के बारे में, तो उनको जाके पढ़ो, तो तुम्हें पता चलेगा कि भाई हाँ लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं, और ये कैसी एक्टिंग, फिर से एक्टिंग बोल दिया मैंने, मतलब जो भी ये करती है।
और एक बात तो कहना पड़ेगा, नेटफ्लिक्स बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, सच में बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। मतलब अपने पैर पे अच्छे से कुल्हाड़ी मार रहे हैं उसको, मतलब कट नहीं रहा ना वो, तब तक मारता रहेगा जब से अच्छे कट ना जाए। और एक इससे ये साबित होता है कि नेटफ्लिक्स इंडिया का जो स्टाफ है वो कितना बड़ा नाकाबिल है, उसके पास सोचने समझने की पावर जा चुकी है, वो अपने घुटनों से सोचते हैं। तभी तो देखो यार, इस जैसे वाहिया शो को वो लाते हैं, हमें दिखाते हैं। और क्या है इस जैसे शोज में, जिसमें भारत का मजाक उड़ाते हुए भारत की जनता को डम कहा जाता है, भारतीय कल्चर के बारे में ये कहते हैं कि ओह यहाँ के बच्चे अपने माँ बाप के साथ रहते हैं, ओह ये तो कितनी ओल्ड फैशन वाली बात है। और ये बताते हैं कि देखो भारतीय माँ बाप अपनी जो बच्चियां होती हैं, अपने घर की जो लड़कियां होती हैं, उनको बारे में उनको क्या सिखाते हैं, उनको ये सिखाते हैं तुम दूसरों की हाँ में हाँ मिलाओ, तुम्हारे और कोई सोचने का तुम्हें और कोई अधिकार नहीं। वाह वाह भाई साहब, ये कौन सी दुनिया दिखा रहे हो तुम, कौन से भारत के बारे में बता रहे हो? ये शायद इन लिबरल्स के घर में होता होगा, मैंने तो ऐसा कहीं देखा नहीं। और जो लोग पूजा पाठ करते हैं वो बहुत पिछड़ी सोच के हैं, वो मंद बुद्धि हैं, और उनको जो है दिमागी डॉक्टर की जरूरत पड़ती है, ये सब इसके अंदर दिखाया गया है। अब तुम खुद समझदार हो, तुम्हें ये डिसीजन खुद लेना है कि ये सही है या गलत है। अब इसके ऊपर भी अगर तुम्हें ये क्लियरिफाई किसी से ये सुनना है कि भाई ये गलत है, तो तुम यार खुद अपने दिमाग का यूज करने में बहुत असमर्थ इंसान हो, क्योंकि तुमसे यही एक फैसला नहीं किया जा रहा कि तुम्हारे सामने क्या चीज गलत हो रही है, क्या चीज सही हो रही है। तो तुम यार सच में तुम्हें खुद एक डॉक्टर की जरूरत है। और देखो यार, जो भी स्वतंत्रता की जो फ्रीडम ऑफ स्पीच की जो भी अगर दुहाई देने आ जाते हैं ना, तो एक बहुत बड़ा एक व्यापक, मैं कहूंगा कि विशाल टॉपिक है, तुम उसके ऊपर ऐसी बात नहीं कर सकते। फ्रीडम ऑफ स्पीच का नाम लेकर तुम किसी को गाली नहीं निकाल सकते, देश के बारे में बोल नहीं सकते, तुम किसी धर्म की जाति के बारे में नहीं बोल सकते। तुम्हें उसका ख्याल रखना पड़ेगा, किसी दूसरे जो लोग हैं वो किसी चीज में आस्था रखते हैं, तुम्हें उसका ध्यान रखना पड़ेगा। ये तुम्हारी जिम्मेदारी, ये तुम्हारी नैतिकता बनती है। मेरी तरफ से इस घटिया, इस वाहियात, इस बकवास सीरीज को मैं देना चाहूंगा 0/10 स्टार। देखो यार, 2020 अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी आ रही है एक से बढ़कर एक घटिया सीरीज आ रही है। तुम कोई भी अगर नेटफ्लिक्स इंडिया से तुम ये कहते हो ना कि तुम इससे घटिया चीज नहीं ला सकते, तो ये तुम्हें चैलेंज करते हुए और घटिया चीज लाके दे देता है। जैसे ये भाग मिनी भाग, अब मेरा सर दुख रहा है यार, इसके बारे में और बात नहीं हो सकती। देखो यार, अगर किसी ने देख लिए और तुम इसके फैन हो स्वरा भास्कर जैसे, तो तुम यार मुझसे दूर ही रहना, क्योंकि मुझसे बर्दाश्त नहीं होती तुम्हारी ये जो स्वरा भास्कर वाली ये जो लिबरल लोगों की सोच। और अगर किसी ने नहीं देखी तो तुम यार कोई जरूरत नहीं है इस घटिया चीज को देखने के लिए, तुम जाके कुछ और देखो। तुम इससे बढ़िया तो तुम वो छोटा भीम देख लो यार, वो काफी अच्छा है, वो फनी लगता है इसके मुकाबले में। तो बस आज के लिए इतना ही था इस वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।